साइज के अकॉर्डिंग जो है वो तीरा लगता है, सबका एक ही साइज का नहीं लगता। जैसे आप देख रहे होगे कि कुछ लोग क्या है, सबका 5 इंच का तीरा डालते हैं। 38 छाती है तो भी 5 इंच का, 40 है तो भी 5 इंच का, 42 है तो भी 5 इंच का, अगर 36 है उसको भी 5 इंच का। तो सबका एक ही साइज का तीरा नहीं पड़ता है, ये फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको रिजल्ट भी जो है वो अच्छे देखने को मिल जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? उम्मीद तो यही करता हूं कि आप सब अच्छे हो और आप लोगों का बहुत प्यार भी मिल रहा है, चाहे वो वीडियो लाइक के जरिए या चैनल सब्सक्राइब के जरिए या फिर कमेंट में अपनी जो राय देते हैं आप या कुछ पूछना चाहते हैं डाउट्स, तो अच्छा लगता है। इसी तरह से प्यार बनाते रहें और मैं अपने जो वीडियो के जरिए आप लोगों के डाउट जो हैं कटिंग को लेकर वो क्लियर करता रहूं। तो यही मेरी इच्छा है और यही मेरा मकसद है इन वीडियोस को बनाने का। तो आज के वीडियो में शर्ट का कटिंग करने जा रहा हूं। ये फॉर्मल शर्ट है, इसका सीधा साइड कपड़े का अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। शर्ट है इसका लंबाई है 29.5 इंच, छाती है इसका 43 इंच, कमर है इसका 40 इंच और पेट से राउंड इसका साइज है 42.5 इंच और हिप का साइज है 41 इंच। यानी कि इस पर्सन का जो पेट है वो बड़ा है चेस्ट और हिप के अकॉर्डिंग। तीरा है 18.5, गला है 17.5 और बाजू की लंबाई है 24 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे और डिटेलिंग में कोशिश करेंगे एक एक चीज समझाने की। तो सबसे पहले आपने टेबल की लेयर के साथ कपड़े को एकदम सीधा बिछाना है, इक्वल जो है मार्जिन रख के, और अपने एल स्केल की हेल्प के साथ किनारा पट्टी पर एल स्केल को 90 डिग्री पे रखते हुए सबसे पहले ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगाना है, ताकि ऊपर से कपड़े का लेयर जो है वो सीधा हो जाए। उसके बाद इसका लंबाई का निशान लगेगा। लंबाई इसका लगेगा 29.5 इंच लंबाई है तो 29.5 पर ही निशान आएगा। और यहां से चेस्ट का जो निशान है वो कितने पे आएगा, तो चेस्ट है इसका 43 इंच, तो 43 का चौथा हिस्सा हो गया 11.25, तो ये 10.25 इंच के ऊपर इसका जो है वो पॉइंट बैठेगा हमारी चेस्ट का। अब यहां से हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सीधा यहां पे 90 डिग्री का लाइन जो है ये इस चेस्ट के पॉइंट के ऊपर लगाया जाएगा। उसके बाद जो नीचे घेरे का है उस पॉइंट को, उस लाइन को आपने इस तरह से हल्का सा ऊपर की तरफ तिरछा करके इस तरह से लगा देना है, एल स्केल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ते हुए, और नीचे अप्रोक्सीमेटली 1 इंच जो है वो नीचे एक मार्जिन रखना पड़ेगा जो कपड़ा अंदर नीचे घेरे पर फोल्ड होता है। अब यहां पर ये पॉइंट लगाने के बाद यहां पर ये जो किनारा पट्टी है हमारा, यहां से 2 इंच का मार्जिन लेके चलना है। 2 इंच का यहाँ पे निशान आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा आ जाता है शर्ट का पट्टी, जो 1.25 इंच का पट्टी लगता है पेस्टिंग वाला वो आ जाएगा, ठीक है। उससे ये है जो 2 इंच का अगर मार्जिन रखेंगे तो कपड़ा अंदर से कवर हो जाएगा। अब यहां से हमारा 2 इंच का जो पॉइंट है ये पूरा नीचे घेरे तक इस तरह से लगाना है, और अगर आप चाहें तो इस तरह से एक स्केल के साथ सीधा लाइन जो है वो भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं आपको लाइन लगाकर ही बता देता हूं, ये हमारा लाइन जो है इस तरह से लग जाएगा, ये देखिए, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ये लाइन जो है इसको लगाने के बाद हमारा गले का हल्ले का पॉइंट आएगा, तो यहां से डाउन आएगा ये केवल 2.5 इंच के हिसाब से, और यहां से आएगा 3 इंच के हिसाब से। ये वैसे 3.5 बैठ रहा है, लेकिन हमारा जो गले का हल्ला है वो कटिंग के टाइम पे हमेशा कम कटिंग करना है, क्योंकि जब कॉलर और बैंड के साथ इसको सिलाई करेंगे तो ये कहीं बड़ा ना हो जाए, उस समय ये छोटा हो जाएगा 100%। उस समय हम कटिंग करके जितना चाहिए उतना छांट लेंगे, लेकिन पहले बड़ा मत कर देना। अब यहां से हमारा जो शोल्डर है वो है 18.5, 18.5 का जो आधा है वो हो गया 9.25, और 1/2 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि
पौने 10 इंच के ऊपर ये पॉइंट जो है इस तरह से मार्क हो जाएगा, क्लियर। अब यहां से हमारा ये डाउन कितना होगा, तो ये डाउन होगा हमारा 2 इंच और 1 सूत। अब यहां से चेस्ट का जो पॉइंट है वो है 43 इंच, यानी कि 11.5 इंच चौथा हिस्सा, तो 11.5 इंच के ऊपर निशान आ जाएगा। और यहां से केवल और केवल हमें 2.25 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना है, क्लियर। अब यहाँ पे 6 इंच नीचे एक निशान लगाना है, और यहां से हमारा ये जो शेप है, जो पेट और छाती के बीच का जो एरिया होता है वहां पे शेप आता है, तो यहां से हमारा जो साइज है वो है 40 इंच, तो 10 आ जाएगा चौथा हिस्सा। और यहां से हमें केवल और केवल 1.5 इंच बढ़ाना है। अब पेट के ऊपर जो साइज है वो है 42.5 इंच, तो 42.5 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 10.5 और 1 सूत। और यहां से भी हमें 1.5 इंच से 1 सूत प्लस 1.5 इंच और 1 सूत, क्योंकि पेट है, अगर ये हम टाइट रखेंगे तो बैठते टाइम क्या है पेट के प्रेशर के साथ बटन जो है वो खींचेंगे, तो ये हमें थोड़ा सा प्लस जरूर करना है। अब यहां पर हमारा घेरा है 41 इंच, तो 41 का हो गया हमारा चौथा हिस्सा 10.25, और यहां से 2.25 इंच के ऊपर हमारा पॉइंट जो है वो निशान लगा देना है, तो थोड़ा सा और बाहर जाएगा, लेकिन हम 1.25 जो है वो मिनिमम लेके चलते हैं। अब हमारा ये जो शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ, शेप पट्टी की हेल्प के साथ ये जो कर्व है ये हमने इस तरह से ड्रॉ करना है, इन निशान को इस तरह से मिला देना है, और यहां से ये इस तरह से नहीं मिलेगा, शेप पट्टी को हमें घुमाना पड़ेगा क्योंकि उसकी शेप के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो शेप की जो इस तरह से पेट से और यहां से हल्का सा इस तरफ मोड़ दिया जाएगा, ये हमारा ये पॉइंट बन जाएगा, क्लियर। अब जब कटिंग करेंगे तो ये जो है ये तिरछा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोना नहीं बनना चाहिए, जब हम सीजर से कटिंग करेंगे तो यहाँ पे साथ साथ गुलाई जो है वो बनाते जाएंगे। अब हमारा यहां से आर्म होल का ये जो पॉइंट है इसको भी चेस्ट वाले पॉइंट के साथ हम इस तरह से मिला देंगे शोल्डर के साथ, और ये हमारा आ जाएगा ऊपर गले के हल्ले के साथ शोल्डर लाइन, क्लियर। अब ये जो हमारा टोटल लाइन है इस लाइन का हमने हाफ निकाल लिया, और हाफ से 0.5 इंच जो है वो हम अंदर की तरफ आ गए। अब हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है इस तरह से आपने बिठाना है फ्रेंच कर्व को कि चेस्ट के पॉइंट से, और ये जो आपने 0.5 इंच अंदर किया है और शोल्डर का ये जो टॉप डाउन वाला जो पार्ट है इसके साथ मिल जाए, और इस तरह से आपने ये जो कर्व है ये कंटिन्यू लगा देना है। इस तरह से आर्म होल का अगर शेप बनाएंगे तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है, क्लियर। अब हमारा यहाँ पर गले के हल्ले का निशान भी आ गया, तो इन निशान को लगाने के साथ साथ ही हमारा जो फ्रंट है शर्ट की कटिंग के लिए उसकी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल और केवल इसकी कटिंग की जाएगी। इन पॉइंट्स को किस तरह से लगाना है इस साइज के हिसाब से, हर साइज में थोड़ा बहुत हेर फेर करना पड़ता है, तो इस साइज के हिसाब से किस तरह से ये लगेंगे तो उसको आपने अच्छे से देख लिया है। जिन लोगों को कोई डाउट क्लियर हुआ है, कुछ समझ में आया है, जो लोग नए हैं, जो बिगनर्स हैं, अभी काम सीख रहे हैं, तो वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मैं इसका कटिंग कर लेता हूं, फिर उसके बाद बैक को किस तरह से कटिंग करना है वो डिटेलिंग में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए शर्ट का मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब हमारा ये जो फ्रंट हमने कटिंग किया था इसको प्लेस किस तरह से करना है ये ध्यान से देखना। इस कपड़े को, ये जो फ्रंट कटिंग किया है इसको हमने नीचे वाले कपड़े के फोल्ड से हमने 0.5 इंच ओवरलैपिंग करते हुए बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है, बाहर की तरफ। ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को, ये जो हमने नॉचेस लगाए थे इस लाइन को यहां से 2 इंच वाले, इसको हमने 0.5 इंच बाहर की तरफ निकालना है। और सबसे पहले ये जो हमारा शोल्डर का पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पर हम इस तरह ये जो डाउन किया था यहाँ एक पॉइंट जो है ये मार्क कर देंगे, और नीचे वाला ये जो फैब्रिक है बैक का इसके फोल्ड के साथ एल स्केल को 90 डिग्री के ऊपर इस तरह से रखते हुए सबसे पहले ऊपर जो है एक 90 डिग्री का लाइन सबसे पहले लगेगा, और उसके बाद हमारा ये जो शोल्डर है वो है 18.5 का आधा हो गया,
सवा नौ और आधा इंच सिलाई का मार्जिन यानी कि पौने दस इंच के ऊपर हमारा ये पॉइंट जो है ये आ जाएगा और ये हमारा इस पूरी लाइन का हाफ पॉइंट आ गया। क्लियर। अब चेस्ट के साथ ये जो पॉइंट है हमारा इसको इसके साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा और जो अगेन फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ इस तरह से इस पॉइंट को जहां पर ये फ्रेंच कर्व बैठे अपने आप उस पॉइंट को हमने शोल्डर पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है। और ज्यादा इसमें मार्किंग नहीं होता, केवल और केवल अपर पोर्शन पर ही मार्क होते हैं जब हम बैक का कटिंग करते हैं शर्ट के लिए। तो यहां पर मैं अब इसका कटिंग करूंगा और उसके बाद बाजू का कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद तीरे का कटिंग करेंगे। तो जिन लोगों को यहां पर कुछ क्लियर हुआ है वो अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। सो बाजू का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया गया है और बाजू जो है वो शर्ट का हमेशा और हमेशा ऑन बायस ही कटिंग होता है। इससे क्या है कि फ्रंट पे या बैक पे किसी तरह का झोल जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे बाजू का तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब हमारा यहाँ पर ऊपर से कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा किनारा पट्टी को छोड़ के, और नीचे जो है हमारा जहां पे बॉटम आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 6.25 इंच होना चाहिए, 6.5-6.25 इंच साइज के हिसाब से इसको आपने बिठा लेना है। उससे अगर बढ़ रहा है शेप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना हमें जरूर चाहिए। अब यहां से हमने चेक करना है क्या हमारा ये 10:45 आ रहा है, तो ये किनारा पट्टी को छोड़कर 10:45 आ रहा है। इसी पॉइंट के ऊपर हमने अपने एल स्केल को इस तरह से बिठा देना है। ये जो कपड़े का फोल्ड है इस फोल्ड के ऊपर आपने एल स्केल को बिठा देना है और यहां पर सबसे पहले एक 90° का लाइन जो है इस तरह से लगा देना है। और यहां से ये डाउन कितना होगा, ये यहां से अप्रोक्सीमेटली इसका डाउन बैठेगा 4.5 इंच के ऊपर, ठीक है, और यहां से ये हम बिठाएंगे इसको 4.11 इंच के ऊपर और इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है। क्लियर। अगर कुछ लोगों को जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके मन में आ रहा होगा कि ये कितना रखा है और किस हिसाब से रखा है, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं बहुत जल्द एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स जो है वो मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। और अगर आपको सीखना है वाकई ही इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो वो कोर्स जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं किसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहां से हमारा लेंथ का निशान लगाना है, तो लेंथ है हमारा बाजू का 24 इंच, तो 24 इंच के ऊपर आपने इस तरह से मेजरमेंट टेप को पकड़ लेना है और यहां से 1.5 इंच कम करके आपने यहां पे पॉइंट मार्क कर देना है। क्लियर। क्योंकि नीचे जब 2.5 इंच का कफ लगेगा तो सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद 24 इंच हमारा बाजू जो है वो रेडी हो जाएगा। सॉरी। अब यहां से कभी भी लाइन जो है बाजू का ये बिल्कुल सीधा कभी नहीं लगता है, ये अप्रोक्सीमेटली यहां से 0.5 इंच डाउन करना है और आपने एल स्केल को इस तरह से मूव कर देना है। एक तो ये तरीका है, दूसरा जो है मैं आपको अभी बता देता हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि आपने अपने इस कपड़े को, जैसे मेरे को यहाँ पे 6 इंच तक चाहिए तो यहां पर आपने 6 इंचेस के ऊपर पहले निशान लगा लेना है और इस फोल्ड को आपने यहां से और यहां से पकड़ना है और इस तरह बिठाना है। आपने कितना फोल्ड करना है, ये जो आपका ये वाला 10:45 इंच वाला पॉइंट था और एक आपका यहां से 6 इंच वाला जो पॉइंट था वहां पर आपने इस तरह से कपड़े को पकड़ लेना है और ये हमारा जो लाइन है ये पॉइंट हमारा यहां पे बैठ रहा है, ठीक है। अब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए एक सूत तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा यहाँ पे शेप पट्टी की हेल्प के साथ इस तरह से आपने ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ये वाला जो क्लाइंट है मेरा इसको जो बाजू है जो शर्ट का फिटिंग है वो मीडियम चाहिए, ना ज्यादा टाइट नहीं चाहिए उसको, ना ज्यादा लूज चाहिए। अगर लूज फिट होता तो उसके लिए मैं स्केल का इस्तेमाल करता और इस तरह से लाइन लगा के कटिंग कर देता। आप देखिए यहां पर अप्रोक्सीमेटली
पौने इंच का फर्क जो है वो पड़ गया है। ये वाला शेप अगर आप बाजू के अंदर दे देंगे तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है यहाँ पर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप मीडियम फिट या फिटिंग वाला शर्ट बना रहे हैं। अगर लूज फिट है तो फिर आप स्केल के साथ निशान लगा सकते हैं। क्लियर। अब यहां से हमारा टोटल ये जो है यह है 11.5, तो 11.5 का 5.5 से एक सूत कम, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया और यहां से सेंटर आ गया और एक हमने यहां से यहां तक का इस तरह से सेंटर मार्क कर लेना है। ठीक है, यानी कि इस पूरी लाइन को आपने 4 बराबर हिस्सों में बांट देना है। उसके बाद ये जो आपका फ्रंट पॉइंट है यहां से आपने 0.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, सेंटर वाले से 0.5 इंच ऊपर और लास्ट वाले से केवल और केवल 2 सूत इस तरह से निशान लगाना है। और किनारे से ये जो कोना है आपने यहाँ पे लेंथ का जहां पे रखा था इस किनारे से आपने कटिंग करते हुए इन निशान की तरफ बढ़ना है। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका ये जो है शेप इस तरह से अपने आप बन जाएगा। ये देखिए इसका शेप जो है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसको अंदाजे से मत बनाना नहीं तो फ्रंट पे आपको झोल देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा बेटर है आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत आसान और 100% कारगर है। अब यहाँ पे हमारा सेंटर का नॉच आ गया दोनों पल्लों के ऊपर और नीचे जो हमारा होल है जो कफ लगाने के लिए मैंने पोजीशन रखा है वहां पर भी आप इस तरह से कटिंग करके किनारे पर इस तरह से नॉच लगा दीजिए। और ये जो शेप पट्टी की हेल्प के साथ मैंने इस तरह से लाइन लगाया था इसी के ऊपर आपने इस तरह से कटिंग कर देना है। क्लियर। उसके बाद हमारा फ्रंट और बैक को किस तरह से शेप देना है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप करके मत देखिए नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ज्यादा बेटर है आप अच्छे तरीके से समझने में बैठ जाएं, मैं समझाने में तो लगा ही हुआ हूं। अब यहां से हमारा ये जो 4 पल्ले हैं टोटल, हमने 2 पल्लों के बीच में इस तरह से सीजर अपनी रख देनी है और ये 2 पल्ले हमारे नीचे चले गए, यानी कि दोनों बाजू एक साथ कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हमारा ये जो फ्रंट पॉइंट है यहां से हमने 1.25 इंच 1 इंच और 2 सूत यानी कि 1.25 इंच हमने डाउन कर देना है और यहां से केवल और केवल 2 सूत आगे जाना है और यहां से 2 सूत हमने ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। ये आप जो लास्ट वाला निशान है ये साइज के हिसाब से आप 3 सूत पे भी कर सकते हैं लेकिन 2 सूत सफिशियंट है। क्लियर। अब हमने यहां से किनारे से इस तरह से सी बनाना है, इस तरह से हमने गोलाई में कटिंग करते हुए इन निशान की तरफ बढ़ना है। ऑटोमेटिकली आप इन निशान को टच करते हुए अपनी सीजर को इस हिसाब से अगर आप चलाएंगे तो ये जो फ्रंट का शेप है हमारा ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्लियर। और ये मीडियम फिट है उसके लिए हमें बैक पे क्या करना पड़ेगा, यहां से 3 सूत हमने इस तरह से पकड़ना है और ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से निकाल देना है। इस तरह से बाजू का किया हुआ कटिंग एकदम परफेक्टली जो है बाजू पहनने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसको आपको बिछाकर भी दिखा देता हूं, ये देखिए। क्लियर, ये हमारा बाजू आ गया, ये हमारा फ्रंट आ गया और ये हमारा बैक आ गया। तो बाजू का इस तरह से कटिंग करने का इस फॉर्मूले के माध्यम से बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिल जाते हैं। अब हमने इसके बाद तीरे का कटिंग करना है तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। अब यहां से हमने एल स्केल को इस तरह से रखते हुए 90 डिग्री का सबसे पहले एक लाइन जो है ये लगाना है और हमारा इसका जो साइज है उसके हिसाब से जो तीरा है वो इसका बैठेगा हमारा 1.25 इंच के ऊपर। ये 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा और यहां से भी हमारा 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आएगा और ऊपर भी हमने इस तरह से एक लाइन जो है इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन सीधा कर लेना है ताकि ये जो एक बॉक्स की तरह बन जाए 90 डिग्री के एंगल में, उसके अंदर हमने तीरे को कट करना है। अब यहां से हमारा जो फ्रंट हमने गले का हल्ला लिया था वो लिया था हमने 3 इंच के ऊपर, तो तीरे का भी हमने 3 इंच के ऊपर ही पॉइंट लेना है और यहां से हमने जो तीरा है उसका लंबाई है हमारा
साढ़े अठारह का आधा हो गया 9.25 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन यानी कि 10.25 इंच के ऊपर हमारा ये पॉइंट जो है निशान जो है ये इस तरह से लग जाएगा। ये यहाँ से भी हमने 10.25 इंच के ऊपर निशान लगाया और यहाँ पर एक हल्का सा लाइन जो है ये आपने इस तरह से लगा देना है। उसके बाद हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ से ये डाउन होगा। अब यहाँ से डाउन कितना होगा, यहाँ से ये डाउन होगा हमारा 2.25 इंच के ऊपर, ठीक है, 2.25 इंच के ऊपर हमारा ये पॉइंट आएगा। और यहां से ये जो लाइन है, ये जो सीधा लाइन लगाया है, इस सीधी लाइन पर कभी कटिंग नहीं होता है। यहां से अप्रोक्सीमेटली आधा इंच आप बाहर की तरफ इस तरह निकालेंगे और अपना जो शेप पट्टी है उसकी हेल्प के साथ यहां पर हल्का सा आप इस कर्व की शेप में लगाएंगे ताकि ये जो कर्व है ये आमोल के साथ बैक में बैठ जाए। अब हमारा यहां पर ये जो नेक का पॉइंट है इसको हमने इस शोल्डर डाउन के पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है। उसके बाद हमारा यहां से डाउन कितना होगा, अब यहां पर डाउन जो है ये हमारा होगा 1.25 इंच और 1 सूत यानी कि 1.5 इंच से 1 सूत कम इतना डाउन होगा। ये सारे जो मैं निशान लगा रहा हूं ये एक प्रैक्टिकली फॉर्मूले के हिसाब से है, तभी कह रहा हूं। अगर आपको फॉर्मूले जानने हैं तो आप मेरा जो कोर्स है वो खरीद सकते हैं, मैं बहुत जल्द इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस सीखने के लिए, इस काम को करने के लिए, इस काम में बेटर होने के लिए, तो वो उस कोर्स को खरीद सकते हैं। तो ये हमारा तीरे का जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब केवल और केवल मैं इसका कटिंग करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप मेरे चैनल पर पहुंच चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से, या आपको मेरे चैनल पर कुछ सीखने को वाकई में मिल रहा है, तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना। उसको दबा के आप सिलेक्ट ऑल कर लेना, उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत जो है वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। तो ज्यादा बेटर है आप बेल को दबाकर सिलेक्ट ऑल कर लें, क्लियर। अब हमारा यहां पर जो है तीरे का कटिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको एक मेरा जो व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर है, उनको एक थोड़ा सा डाउट था। अब इस तीरे को कटिंग करने के बाद उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा और जिन लोगों के मन में ये डाउट आ गया है ऑलरेडी उनके लिए भी ये जो है ये वीडियो पूरा देखें, स्किप मत करें। तो ये मेरा तीरा जो है वो कटिंग हो चुका है। मैं इसके ऊपर उल्टी साइड का निशान जो है वो साथ साथ कपड़े पे जरूर लगाना। अब क्या है कि उन्होंने लिखा था कि हमारा जो तीरा है फ्रंट का शोल्डर वो हमने डाउन किया था 2 इंच और 1 सूत या उसमें 2.25 इंच किया था। तो तीरे का जब कटिंग करते हैं तो 2.25 क्यों किया आपने, कम क्यों किया, तो उनके लिए मैं ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। अब यहां पर क्या है कि हमने जो बैक का जब हमने कटिंग किया था, ठीक है, ये बैक का जब हम कटिंग करते हैं तो इसमें ये हमने एक सेंटर का निशान लगाया था, इस लाइन से लेके इस लाइन तक एक सेंटर का पॉइंट मार्क किया था, क्लियर। अब यहां से क्या करना है, हमने ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने यहां से अप्रोक्सीमेटली यहां पर सीधा रखते हुए इस पॉइंट को हमने यहां से 0.5 इंच जो है वो छांट देना है, ये वाला। इससे क्या होता है कि हमारा वो जो तीरा है जो हमने 2.25 किया है ना, और जब इसके साथ पकड़ में आएगा वो इस तरह से खींच लेगा अपने कपड़े को, इस तरह से बैक को खींच लेगा, वो ऊपर से भी हल्का सा उसको प्रेशर पड़ जाएगा और नीचे से भी कपड़े को पकड़ लेगा। इससे क्या बेनिफिट होता है, और तीरे को कम डाउन करके और फ्रंट में उसके साइज के हिसाब से डाउन करके फायदा क्या होता है, वो ये है कि शर्ट पीछे से भी एकदम सीधी दिखती है, झोल नहीं दिखता, लटकी हुई नहीं दिखती, पीछे से भी एकदम सीधी दिखती है। तो ये था उनका जो डाउट है, मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। मैं उनको जो है वो कटिंग करके ही बता देता हूं। ये मैं यहां पर इस तरह से कट कर देना है आपने, इस तरह से, क्लियर। ये हमारा इतना पीस जो है ये निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिन लोगों को
अच्छा लगा है वीडियो, वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।